विद्यार्थियों, प्रिस्कार क्लासेस सरदार सिंह के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हम लोग मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह तक चर्चाएं की थी कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की 30 जनवरी 1528 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा की बात करें तो इनके 4 पुत्र थे। मुख्य रूप से बात करें तो इनके 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों की बात करें तो बड़े पुत्र का नाम था रतन सिंह, दूसरे नंबर के पुत्र का नाम था भोजराज और तीसरे पुत्र की बात करें तो उसका नाम था विक्रमादित्य, या इसे विक्रम सिंह भी कहते हैं, और छोटा पुत्र था उसका नाम था उदय सिंह। इस प्रकार के इनके 4 पुत्र थे, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। रतन सिंह और भोजराज की बात करें तो इन दोनों की माता का नाम था धनबाई और विक्रम सिंह और उदय सिंह की माता की बात करें तो इनका नाम था कर्मावती। कर्मावती थी विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता, रतन सिंह और भोजराज की माता का नाम था धनबाई। भोजराज की बात करें तो इनका विवाह हुआ था मीराबाई के साथ, मेड़ता के रतन सिंह की पुत्री थी और मीराबाई का विवाह गया, परंतु भोजराज की मृत्यु हो जाती है। और राणा सांगा के बाद में मेवाड़ का जो शासक बनता है वो बनता है रतन सिंह। रतन सिंह का जो शासन काल रहा था वो रहा था 1528 से लेकर 1531 ईस्वी तक, यानी 1528 से लेकर 1531 ईस्वी तक मेवाड़ का शासन, या पूछा जा सकता है कि मेवाड़ महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था, तो मेवाड़ का शासक बना था रतन सिंह। और इस रतन सिंह का शासनकाल 1528 से लेकर 1531 ईस्वी तक था। यह है एक मेवाड़ का अयोग्य शासक था, इनमें राज्य उचित गुण नहीं थे और यह अपने मामा था और उस मामा का नाम था सूरजमल। सूरजमल हाड़ा के साथ बसंत उत्सव पर आखेट पर गया हुआ था और वहाँ इनके मध्य अनबन हो जाती है किसी बात को लेकर, और इस सूरजमल हाड़ा ने 1531 ईस्वी में जंगलों में रतन सिंह की हत्या कर दी थी। तो रतन सिंह की हत्या कर दी गई थी 1531 में, सूरजमल हाड़ा के द्वारा कर दी गई थी। बसंत उत्सव के समय अहिरिया आखेट यानी शिकार पर गए थे और वहाँ इनके मध्य किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और अनबन होने के कारण इनकी हत्याएँ कर दी गई थी। ये मात्र 3 वर्ष मेवाड़ का शासक रहा था, यह कोई विशेष योग्य शासक नहीं था। इनके बाद में बात करें तो अगला शासक बनता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य या विक्रम सिंह शासक बनता है और ये शासक बनाता 1531 से लेकर 1536 ईस्वी तक जो मेवाड़ का शासक बनता है, और वह शासक बनता है विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य पुत्र था कर्मावती का। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो
हम जिस शासक की बात करें उसका नाम है विक्रमादित्य, या इसे कहते हैं विक्रम सिंह। विक्रमादित्य या विक्रम सिंह, इनका शासनकाल 1531 से लेकर 1536 ईस्वी तक रहता है। 1531 से लेकर 1536 ईस्वी तक जो मेवाड़ का शासक रहता है, और मेवाड़ का शासक रहता है विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य की बात करें तो इनका जो शासन का जो संरक्षण, यानी इनका जो संरक्षण का शासन का संरक्षण करने वाले की बात करें तो वो इनकी राजमाता थी, और राजमाता की बात करें तो उनका नाम था कर्मावती। यह कर्मावती के संरक्षण में अपना शासन संचालित करता था। इसमें भी राज्य उचित गुण नहीं थे, यह भी एक अयोग्य शासक था, यह भी एक अयोग्य शासक था। और ऐसी विक्रमादित्य की बात करें तो इनके शासनकाल में 1533 ईस्वी में गुजरात का एक शासक था। गुजरात के शासक का नाम था बहादुर शाह। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1533 ईस्वी में विक्रमादित्य के शासनकाल में आक्रमण करता है, और इसने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया था विक्रमादित्य के शासनकाल में 1533 ईस्वी में, और आक्रमण करने वाला था गुजरात का शासक था। गुजरात के शासक का नाम था बहादुर शाह, परंतु राजमाता कर्मावती अपनी कूटनीति और सूझबूझ से इस गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ एक समझौता करती है, एक संधि करती है, और उस संधि का नाम था रणथंभौर। तो रणथंभौर की संधि की गई थी, राजमाता कर्मावती और गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ, और बहादुर शाह के साथ संधि करके और इन्हें रणथंभौर दुर्ग दिया गया था बहादुर शाह को। और इस रणथंभौर की संधि के तहत बहादुर शाह के आक्रमण को विफल कर दिया। बहादुर शाह के आक्रमण को एक बार तो रणथंभौर की संधि के तहत विफल कर दिया अपनी कूटनीति से, परंतु बहादुर शाह पुणे मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और बहादुर शाह ने पुणे मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1534-35 ईस्वी में। 1534-35 ईस्वी की बात करें तो पुणे गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर यानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। इनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। इस समय की बात करें, इस आक्रमण के समय राजमाता कर्मावती सहायता के लिए मुगल शासक था, और उस मुगल शासक का नाम था हुमायूं। और इस हुमायूं को राखी भेजकर सहायता का प्रस्ताव रखा था। यानी गुजरात के शासक बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण हुआ था 1533 में, तब राजमाता कर्मावती अपनी कूटनीति और रणथंभौर की संधि के तहत इस आक्रमण को विफल कर दिया। परंतु यही बहादुर शाह पुणे चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है 1534-35। इस चित्तौड़ आक्रमण के समय बहादुर शाह की द्वितीय चित्तौड़ आक्रमण के समय राजमाता कर्मावती मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर सहायता का प्रस्ताव यानी सहायता की मांग करती है, सहायता की प्रार्थना करती है, परंतु हुमायूं उचित समय पर इनकी सहायता नहीं कर पाता है, और उचित समय पर सहायता नहीं कर पाने के कारण यह गुजरात के बहादुर शाह चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है।
चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है और चित्तौड़ आक्रमण के समय कर्मावती अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और इनका एक छोटा पुत्र था उदय सिंह और इनका ननिहाल था बूंदी, इन दोनों को अपने ननिहाल बूंदी भेज देती है और चित्तौड़ दुर्ग का जो भार है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार सौंपती है देवलिया, और यही देवलिया वर्तमान में पड़ता है प्रतापगढ़ में, और देवलिया का ठाकुर था और उसका नाम था रावत बागसिंह। रावत बागसिंह को चित्तौड़ का प्रशासन सौंप देती है कर्मावती, कर्मावती रावत बागसिंह को चित्तौड़ का प्रशासन सौंप देती है और रावत बागसिंह गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ युद्ध लड़ते हैं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ युद्ध लड़ते हुए यानी केसरिया धारण करते हुए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी यहाँ केसरिया किया गया था, केसरिया किसके द्वारा किया गया था, रावत बागसिंह के द्वारा, केसरिया रावत बागसिंह के द्वारा, और जोहर किया गया था राज माता कर्मावती, राजमाता कर्मावती के द्वारा जोहर किया गया था, केसरिया किया गया था रावत बागसिंह के द्वारा। और इस प्रकार मेवाड़ के इतिहास का दूसरा शाखा, मेवाड़ के इतिहास का दूसरा शाखा वाता 5 मार्च 1535 ईस्वी में। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ के इतिहास का दूसरा शाखा किनके नेतृत्व में वाता, तो रावत बागसिंह और राजमाता कर्मावती के द्वारा जोहर किया गया था, रावत बागसिंह के द्वारा केसरिया किया गया था, केसरिया और जोहर दोनों मिलकर साका कहलाता है। मेवाड़ के इतिहास के पहले साके के बारे में पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, रानी पद्मिनी ने जोहर किया था, राव रतन सिंह ने केसरिया किया था, और मेवाड़ के इतिहास का दूसरा साका हुआ था 5 मार्च 1535 में। शासन काल की बात करें तो शासन काल था विक्रमादित्य का और जोहर किया गया था राजमाता कर्मावती और केसरिया किया गया था रावत बागसिंह के द्वारा, और ये दोनों मिलकर कहलाता है साका। और इतिहास का मेवाड़ के इतिहास का प्रसिद्ध दूसरा साका 5 मार्च 1535 में हुआ था। इस प्रकार की बात करें तो इस युद्ध में गुजरात के शासक बहादुर शाह विजय होता है और विजय होकर इसने अधिकार कर लिया चित्तौड़गढ़, इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, परंतु यह हुमायूं के भय से पुनः चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़कर भाग जाता है। इन्हें भय था कि हुमायूं आएगा और हुमायूं आक्रमण करेगा, क्योंकि राजमाता कर्मावती के द्वारा सहायता का प्रस्ताव भेजा गया था, हुमायूं समय पर सहायता नहीं दे पाया था। इस हुमायूं के भय से यह बहादुर शाह पुनः चित्तौड़ छोड़कर भाग जाता है। इसी समय की बात करें तो यह चित्तौड़ छोड़कर भाग जाता है और इसे विक्रमादित्य को पुनः यहाँ का शासक नियुक्त किया जाता है 1536। पुनः इन्हें शासक नियुक्त किया गया था। इस समय की बात करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बनवीर, और इस बनवीर की बात करें तो यह बनवीर था उड़ना राणा पृथ्वीराज। उड़ना राणा पृथ्वीराज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और उसी उड़ना राणा पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र था और उस दासी पुत्र का नाम था बनवीर। बनवीर से विक्रमादित्य से नाराज था और विक्रमादित्य अयोग्य था, अयोग्य होने के कारण इनसे नाराज हो जाता है, और नाराज होकर यह है मौका पाकर 1536 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हत्या कर देता है
विक्रमादित्य की। तो इस प्रकार विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी, और विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी बनवीर के द्वारा, और बनवीर था उड़ना राणा पृथ्वीराज का दासी पुत्र था, और इसी बनवीर ने 1536 ईस्वी में इस विक्रमादित्य से नाराज होकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार विक्रमादित्य का शासन काल रहता है 1531 से लेकर 1536 ईस्वी में। मेवाड़ के इतिहास का दूसरा शाखा हुआ था विक्रमादित्य के शासनकाल में। मेवाड़ के इतिहास का प्रथम जो शाखा हुआ था वो हुआ था रावल रतन सिंह के शासनकाल में। रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और विक्रमादित्य के समय दो बार आक्रमण किया गया था गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा। और इनके जो संरक्षणकर्ता थे उनकी माता थी जिसका नाम था कर्मावती। यह भी एक अयोग्य शासक था, परंतु कर राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में इनकी शासन व्यवस्था संचालित होती थी। और इन्हीं के शासनकाल में 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, परंतु राजमाता कर्मावती रणथंभौर दुर्ग देकर इन्हें विफल कर दिया। परंतु इन्होंने 1534-35 में पुनः आक्रमण कर दिया। उस समय राजमाता कर्मावती ने रावत बाग सिंह को प्रशासन सौंपा। रावत बाग सिंह केसरिया धारण करके लड़ता हुआ मारा गया। राजमाता कर्मावती ने क्या कर लिया, जौहर। और मेवाड़ के इतिहास का दूसरा जौहर हुआ था 5 मार्च 1535 में हुआ था। इसी समय राजमाता कर्मावती ने शांति यानी संधि का प्रस्ताव रखा था, यानी सहायता का प्रस्ताव भेजा था हुमायूं के पास से। इस प्रकार का शासन काल रहा था विक्रमादित्य का। तो मित्रों, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो विक्रमादित्य की बनवीर के द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह बनवीर उदयसिंह सिंह की भी हत्या करना चाहता था, परंतु इस उदय सिंह की धायमा थी, धायमा जिसका नाम था उदय सिंह की धायमा उदय सिंह को बचा लेते, जिसका नाम था पन्ना धाय। पन्ना धाय की बात करें तो इन्होंने बनवीर को देख लिया, और बनवीर पहले विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, और यह उदय सिंह के महल के और चक्र काटने लगता है। तब इस धायमा यानी पन्नाधाय ने देख लिया इस बनवीर को। बनवीर जब उदय सिंह की हत्या करने के लिए आता है, उस समय पन्नाधाय अपना पुत्र था जिसका नाम था चंदन, और अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को सुरक्षित बचाया था, और उदय सिंह को सुरक्षित बचाकर और उदय सिंह का पालन पोषण के लिए उदय सिंह को भेज देती है कुंभलगढ़ दुर्ग। इस प्रकार पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया, और अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर और उदय सिंह को बचाया था। उदय सिंह की सुरक्षा के लिए, इनका लालन पालन करने के लिए इन्हें भेज दिया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग में एक व्यक्ति था जिसका नाम था आशा देवी पुरा। आशा देवी पुरा के पास इन्हें भेज दिया गया था, और आशा देवी पुरा के द्वारा उदय सिंह का लालन पोषण, इनका पोषण किया जाता है, और इसी आशा देवीपुरा के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया था, यानी मेवाड़ का शासक नियुक्त किया गया था उदय सिंह को। तो उदय सिंह की धायमाए, और धायमाए का नाम है पन्नाधाय, और उदय सिंह का जो संरक्षण किया गया था वो किया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवीपुरा हाड़ा के द्वारा, और उदय सिंह के बदले बलिदान दिया गया था चंदन का। इस प्रकार बनवीर मेवाड़ के एक भाग और मेवाड़ के एक भाग चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, और चित्तौड़ पर अधिकार करके बनवीर चित्तौड़ पर लगभग 1536 से लेकर 1540 ईस्वी तक आधिपत्य रखता है चित्तौड़ पर। इनकी बात करें तो हम लोग इस पन्नाधाय के संदर्भ में कुछ चर्चाएं करते हैं। पन्नाधाय के संदर्भ में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इनका संबंध कहां से था, कहां से थी पन्ना
धाय। ध्यान रखना एक है गोराधाय और गोराधाय को कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाय। मारवाड़ की स्वामी भक्तिन कहते हैं उसने अजीत सिंह का संरक्षण दिया था, अजीत सिंह को बचाया था औरंगजेब के चंगुल से। और यह पन्नाधाय है मेवाड़ रियासत की। तो पन्नाधाय की बात करें तो इनका संबंध, इनके संबंध की बात करें तो इनका संबंध है माताजी की पोडली ग्राम चित्तौड़गढ़ से। यानी कई बार पूछा जाता है कि पन्नाधाय का संबंध कौन से है, तो इनका संबंध है माताजी के पोडली, और माताजी का पोडली नामक ग्राम पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ इनका संबंध था। इनके पिता का नाम, पिता के नाम की बात करें तो पिता का नाम था हरचंद हकलावा। हरचंद हकलावा की पुत्री थी पन्नाधाय। और यह सरक्षिका या बोले तो धाय माँ, सरक्षिका या धाय माँ की बात करें, यानी धाय माँ का मतलब होता है पालन हार। सरक्षिका या धाय माँ की बात करें तो ये थी उदय सिंह की। और इसने बलिदान, बलिदान की बात करें तो इसने बलिदान दिया था उदय सिंह के बदले अपने पुत्र था, और पुत्र का नाम था चंदन का। और इसके पति की बात करें यानी इनका विवाह हुआ था सूरजमल, सूरजमल के साथ इनका विवाह हुआ था। तो पन्नाधाय की बात करें तो इसे मेवाड़ की कहा जाता है, मेवाड़ की स्वामी भक्तिन, मेवाड़ के स्वामी भक्तिन माँ के नाम से भी जाना जाता है। यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं उनका नाम है पन्नाधाय, और पन्नाधाय का जो संबंध है वो माताजी के पोडली ग्राम, और माताजी का पोडली ग्राम पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। इनके पिता का नाम है हरचंद हकलावा, और यह सरक्षिका या धाय माय की बात करें तो ये थी मेवाड़ के उदय सिंह की। और इसने बलिदान दिया था उदय सिंह के बदले अपने पुत्र चंदन का। चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से सुरक्षित रखा था, और सुरक्षित इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाया गया था। और इनके पति का नाम था सूरजमल, यानी इनका विवाह हुआ था सूरजमल के साथ। और इन्हें कहा जाता है मेवाड़ की स्वामी भक्तिन माँ, मेवाड़ की स्वामी भक्तिन माँ या मेवाड़ की स्वामी भक्तिन महिला के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, क्योंकि इसने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के राजकुमार को बचाकर उसे आगामी भविष्य का शासक बनाया था। इस प्रकार की बात करें तो वो प्रसिद्ध महिला थी पन्नाधाय। तो पन्नाधाय के संदर्भ में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन थी, कहाँ से इनका संबंध था, किसका इसने बलिदान दिया था, और इन्हें क्या कहते हैं। तो ये ध्यान रखना इसने चंदन का बलिदान दिया था अपने पुत्र का, इसे मेवाड़ की धाय माँ भी कहते हैं। इनके बाद में बात करें तो अगला शासक बनेगा हमारा उदय सिंह। तो प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। आप लोग लाइक करोगे तो हमारी ऊर्जा और भी बढ़ेगी, हम और भी हमारे कार्य कौशल के माध्यम से और भी उत्तम प्रयास जारी रखेंगे। आप सब लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग जरूर इसे वीडियो को लाइक करेंगे। आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाता आपका, और हमारा हौसला और भी बुलंद होता है, हम अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ कि आगामी स्टोरी, आगामी और भी कहानियों को मैं अच्छी तरीके से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करूँगा। तो मित्रों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय